हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह की आपकी जो 10 बजे की क्लास होती है उसमें हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चन, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्लास को। बात करते हैं कितनी क्लासेस हो चुकी है। 50 के करीब क्लासेस हो चुकी हैं आपकी ऑलरेडी, पर्याप्त है। प्रैक्टिस करिए, पढ़ना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। गाइड जो है, गाइडेंस हमारी तरफ से ज़रूर रहती है, लेकिन बात वही है कि जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम आपको खुद ही देना है। तो प्लीज़ हमेशा मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई करिए, और कोई पढ़ाई का सब्स्टिट्यूशन नहीं है दूसरा, पढ़ाई ही करनी होगी एक एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से निकालने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन फिर। तो आज का जो 2 क्वेश्चन है हमारे, वो पहले 2 क्वेश्चन में वही है, एरर बताना है आपको। अब मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप माहिर हो चुके होंगे, या काफ़ी हद तक अब बनने लगे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि कौन से हिस्से में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई एरर है, यानी कि ग्रामर के हिसाब से कोई त्रुटि है। अगर लगता है कि पूरा सेंटेंस अच्छा है, सही है, तो डी ऑप्शन आपको चूज़ करना है, नो एरर वाला। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है, इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज़ लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि अपने जो है ओल्ड एज में, मतलब कि वृद्धावस्था में एक इंसान जो है दिन ब दिन और ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है। वीक मीन्स कमज़ोर। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोर वीक डे बाय डे। इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखिए जब कभी भी हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे डे बाय डे, दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाना, मतलब दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, यानी कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि पहले से और कमज़ोर ऐसा करके। और जब यहाँ पे कंपैरिजन होता है तो क्या लगता है, एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगती है हमारी, कंपरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे वीक जो है ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, इसे कंपरेटिव डिग्री में लिखा है। पढ़ाया है मैंने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अच्छे से देखिएगा उसको इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे आना चाहिए वीकर, ठीक है, ईआर लग जाता है ज़्यादातर में कंपरेटिव डिग्री में, तो वीकर डे बाय डे होना चाहिए, नॉट वीक डे बाय डे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। चलिए देख लीजिए इसको फटाफट से, ड्यू टू द हैवी रेन यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन, समुद्र के बीचों बीच में शिप जो है वो क्या हो गई, डूब गई, ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य है। और ये सेकेंड फॉर्म में यूज़ हुआ है, पास्ट की बात हुई है, हिंट कर दिया है मैंने। चलिए देख लेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। इस यहाँ पे त्रुटि है, ड्रॉन्ट की जगह सैंक यूज़ होना चाहिए। जब कोई चीज़ ऐसे डूबती है, जैसे शिप वगैरह है, तो उसके लिए सिंक वर्ड यूज़ होता है, मतलब डूब जाना, सरफेस तक पहुँच जाना, डूबना इन द सेंस सरफेस तक पहुँच जाना, है ना, सतह तक पहुँच जाना, लिक्विड के सरफेस के नीचे, सॉरी सरफेस का मतलब ऊपर भी सतह हो गई, और यहाँ से डूब के एकदम बॉटम पे नीचे पहुँच जाना, ये कहलाएगा सिंक, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे अब सिंक का सेकेंड फॉर्म बना, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, तो ये बन गया आपका सैंक, तो यहाँ पे आएगा सैंक। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते होंगे या पढ़े होंगे, तो बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन है कि लोहे की कील जो है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन सिप जो है वो डूबती नहीं है, तैरती रहती है। तो वहाँ पे भी सिंक वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है उस लेवल से। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है सिंक, मतलब डूबना, डूब जाना। Let me give you blank. क्या? An advice, any advice, some advice or some advices. मुझे कुछ advice देने दो, कुछ सलाह देने दो, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सम एडवाइस यूज़ होगा, ठीक है, कुछ एडवाइस के लिए यहाँ पे सम एडवाइस वर्ड यूज़ होगा। अब भले ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे एडवाइसेस नहीं लगता है, वैसे भी स्पेलिंग ये गलत हो जाती है, ऐसे वाला एडवाइस यहाँ पे ऐसा लगेगा। आसान था ये, और इतना कठिन भी नहीं था। अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बनेंगी। यूज़ ऑफ सम, एनी, मच, मोर, ये ज़रूर एक बार क्लियर करिएगा। किसी भी स्कूल की 4th-5th स्टैंडर्ड की बुक इंग्लिश ग्रामर की देख लीजिएगा, मिल जाएगा उसमें। द कार्ट वॉज ड्राइवन ब्लैंक बुलक्स विद ऑफ टू और बाय,
यानी कि जो गाड़ी है वो जो है बैलों के द्वारा खींची जा रही है, ड्राइव की जा रही है। अब इसमें विद यूज़ होना चाहिए, ऑफ यूज़ होना चाहिए, टू यूज़ होना चाहिए या फिर बाय यूज़ होना चाहिए, प्रिपोजिशन क्या आएगा वो बताना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा एक बार, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल एग्जाम डोज, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी एक बार चेक ज़रूर करिए। जीके के वहाँ 100 से भी ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके सुपर डेट के लिए बहुत, या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, जीके तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत जल्दी वहाँ क्लासेस कंटिन्यू भी होने वाली हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है, बाय बुलेट्स, यानी कि बैलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेस्ट्रिक्ट। सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपका, रेस्ट्रिक्ट ये एक क्रिया शब्द है जिसका अर्थ होता है सीमित करना या प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ को, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्शन जिसे हम कहते हैं, यानी कि सीमित या प्रतिबंध जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द। ऑप्शंस हैं कर्टेल, प्रोहिबिट, रिटेन, रिटेल। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। तो इसके लिए आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोहिबिट, यानी भी वही होता है किसी चीज़ को रोकना, प्रतिबंध लगा देना, ठीक है, किसी चीज़ से। इसके बाद फिर आपके जो कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें एक है कर्टल, इसका अर्थ होता है घटाना किसी चीज़ को, यानी संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, घटा देना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। इसके बाद आपका जो वर्ड है रिटेन, तो रिटेन का अर्थ होता है बनाए रखना किसी चीज़ को, एज इट इज़ मेंटेन रखना। इसके बाद आपका एक वर्ड और यहाँ पे आ जाता है रिटेल, रिटेल का अर्थ होता है खुदरा, आपको पता ही, आप लोग रिटेल में सामान खरीद के लाते हैं, एक होल सेल में लेकर आते हैं, रिटेल मतलब खुदरा, कुल मिला के किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में या थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेट। ऑल राइट, तो टर्मिनेट जो है इसका अर्थ होता है, पहले मैं बता दूँ, वर्ब शब्द है यानी क्रिया है, अर्थ होता है समाप्त करना या किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। ज़्यादातर ये सब वर्ड्स हम जब किसी को जॉब से हटाते हैं, जॉब से टर्मिनेट किया जाता है, यानी कि उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, ठीक है, उस सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, हमें सुनने को मिलता है जनरली। अभी आपको यहाँ पे बताना क्या है, आपको बताना है इसका अपोजिट यानी एंटोनीम। तो टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त कर देना, तो इसका उल्टा जाहिर सी बात होगा ऑप्शन नंबर सी, बिगिन, यानी कि शुरुआत करना किसी भी चीज़ का। इसके बाद एक वर्ड यहाँ पे दिया है जिसको आज का आपका वर्ड रहेगा, जिसका आंसर आपको, आई मीन इसकी मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में जाके बतानी है। डिपार्ट मतलब होता है रवाना होना, ठीक है, रवाना जिसको हम कहते हैं निकलना कहीं से भी, विदा करना। और चेंज मतलब तो बदलाव होता है, ये सबको पता ही है, नहीं बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। यहाँ पे टुक क्यू फ्रॉम एडम एंड फ्रेज है, इसका आपको अर्थ बताना है। एक्ट्रेस ने अपने भाई से कुछ हेल्प ली, कोई हिंट लिया, कुछ पैसे लिए या एक्टिंग सीखी और सक्सेसफुल बन गई, तो इनमें से क्या होगा टुक क्यू फ्रॉम का मतलब, ये आपको गेस करना है। ये ऑप्शंस की मैंने आपको हिंदी बता दी है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, लर्न एक्टिंग, ठीक है, यानी कि एक्ट्रेस ने अपने भाई से कुछ एक्टिंग सीखी और फिर वो सक्सेसफुल हो गई। तो ये एक फ्रेज है जिसका टेक योर क्यू फ्रॉम समबडी और समथिंग, और अर्थ होता है किसी से कॉपी करना या जो कुछ भी इंसान कुछ कर रहा है उससे एग्जाम्पल लेना, उसके बिहेवियर को या कोई भी चीज़ को सीखना देख कर, कॉपी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, We wanted the gift to be a surprise for my mother, but my sister gave the game away. मतलब हम जो हैं, हमारी मम्मी को, मेरी मम्मी को एक गिफ्ट देने वाले थे सरप्राइज में, लेकिन मेरी बहन ने आगे ऑफ लिखा है गेव द गेम अवे। अब गेव द गेम अवे का मतलब क्या हुआ, लॉस्ट द गेम, गेव आउट द सीक्रेट, गेव अवे द गिफ्ट और withdrew फ्रॉम द प्लान। गेम हार जाना, ठीक है, सीक्रेट को, जो राज था, जो सीक्रेट हमने बनाया रखा था उसको रिवील कर देना, गेव अवे द गिफ्ट, गिफ्ट दे देना, ठीक है, विथड्रू फ्रॉम द प्लान मतलब कि जो भी प्लानिंग थी उससे हट जाना, खुद को अलग कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेव आउट द सीक्रेट, मतलब कि वो सरप्राइज करना चाहते थे लेकिन उसने क्या है, उसके पेट में पचा नहीं तो उसने बता दिया, ये सेंस यहाँ पे निकल कर आता है, जो सीक्रेट में वो कम काम कर रहे जा रहे थे वो रिवील कर दिया उसने। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चलिए
नेक्स्ट, देम शूज आर माइन, देम शूज आर माइन, देम की जगह पे क्या आना चाहिए? वे जूते मेरे हैं, हिंदी इसकी ये होगी। अब यहाँ जूतों के लिए वे जो आना चाहिए उसकी इंग्लिश क्या होती है वही आपको बताना है। दो शूज़ आर माइन, दैट शूज़ आर माइन, देयर शूज़ आर माइन, या फिर आपको लगता है कि सब सही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोज शूज आर माइन। पहली बात, देम कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ नहीं होता, देम हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगा। सबसे पहला वर्ड देम नहीं होता है, दे होगा अगर पहला वर्ड यूज़ होना करना भी है यहाँ पे इस सेंस में, तो दे होगा, जो कि वे इंसानों के लिए यूज़ होता है, पर्संस लिविंग्स के लिए यूज़ होता है, सामान के लिए थिंग्स के लिए दीज और दोज यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दैट इसलिए यूज़ नहीं होगा, दैट भी थिंग्स के लिए सामान के लिए यूज़ होता है, लेकिन दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ठीक, अब यहाँ पे शूज़ है जो कि प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, आर लगा है, इससे भी पता चलता है कि ये बहुवचन है, तो इस वजह से यहाँ पे दोज यूज़ होगा। ऑलराइट, तो देखेंगे आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटन की सही स्पेलिंग बतानी है। स्केलेटन का मतलब होता है आपका जो पूरा ढांचा होता है हड्डियों का, जिसको हम कहते हैं बोन्स का, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी में जो होता है वो कहते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कंकाल तंत्र जिसे कहते हैं वो होता है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग इसकी हो जाती है स्केलेटन की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, स्केलेटन, एस के ई एल ई टी ओ एन, स्केलेटन कंकाल, आगे लग जाता है सिस्टम तो हो जाता है कंकाल तंत्र। अब यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या पढ़ाते हैं उनके लिए ये सब बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत नॉर्मल हैं, बट चैलेंज आता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो सरल सरल सामान्य शब्द भी हैं उनके लिए वो नए होते हैं, अगर क्योंकि उन्होंने सब कुछ हिंदी से पढ़ा है। तो जितने भी लोग हिंदी मीडियम के पर्सनस हैं, मैं ये नहीं कहती कि हिंदी मीडियम से पढ़ना अच्छा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में 10 नंबर का वेटेज है कहीं ना कहीं इंग्लिश का, तो देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम भाई हिंदी मीडियम वाले हैं हमें नंबर ऐसे ही दे दो, ऐसा नहीं होगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपना वो गैप स्ट्रॉन्ग करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारी क्लास जो है यहीं पे ओवर हो चुकी है। आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।